वसीम शाह के साथ आपकी एक स्टोरी आई और वो वायरल बहुत ज्यादा, आउट ऑफ जोन ही चला गया। एशिया कप खत्म हो गया, पाकिस्तान और इंडिया मैच के दौरान नसीम शाह और उर्वशी रोटेला के चर्चे थे। उनकी एक स्टोरी जो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की वो बहुत वायरल हुई। आज उर्वशी ने खामोशी तोड़ दी और बताया कि उन्होंने वो स्टोरी क्यों शेयर की। तमाम टीमों को चेयर अप किया, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, स्पेशली नसीम शाह के साथ आपकी एक स्टोरी आई और वो वायरल बहुत ज्यादा हुई, तो क्या कहेंगे नसीम शाह के बारे में? जी, जो हमारी टीम है उन लोगों ने बहुत सारे ये लोग एडिट्स शेयर किए थे। सारे के सारे फैंस जो हमारे होते हैं इतनी मेहनत करके कुछ एडिट्स बनाते हैं, सो यू नो समटाइम्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव देम बैक। वो इतनी मेहनत करते हैं किसी एडिट को बनाने के लिए, तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज लाइक टीम जस्ट टू थैंक देम अगेन दे काइंड ऑफ शेयर एंड वी वर नॉट अवेयर अबाउट द पीपल इन्वॉल्वड इन इट। So, वो actually, I would say कि out of zone ही चला गया। Thank you so much. Thank you so much. Thank you. फाइनल मैच से पहले नसीम शाह से जब यही सवाल किया गया कि आप उर्वशी रोटेला को जानते हैं, आपकी वीडियो इतनी वायरल हुई, तो नसीम शाह का क्या कहना था? कुछ पता ही नहीं है कि उर्वशी कौन है, क्या है। नसीम, अब हम भाई लोगों से जब बातचीत कर रहे होते हैं, पहले जब करते थे तो सब बाबर आजम का नाम लेते थे, अब नसीम शाह का, खासकर लड़कियां बहुत नाम लेती हैं और इंडियन मीडिया बहुत चला रहा है कि उर्वशी आपके लिए आती है पाकिस्तान का मैच देखने, आपने कभी फील किया? यार मुझे तो सही बताओ, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं पता। मैं तो ग्राउंड में खेलता हूँ और इस तरह लोग वीडियोज वगैरह भेजते हैं, लेकिन मुझे ऐसा आइडिया नहीं है। और जो भी देखने आते हैं उनकी मेहरबानी है कि ग्राउंड आके मैच देखते हैं, और जो भी पसंद करते कोई भी हो तो मेरे लिए अच्छी बात है, कोई भी मेरे लिए आता है। मैं कौन सा आसमान से आया हूँ, मतलब ऐसा कुछ खास नहीं है मेरे अंदर, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि लोग प्यार करते हैं तो अच्छी बात है। यार नहीं, ऐसा 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 कोई प्लान नहीं है। और स्माइल तो आपके सवाल पे आ रहे हैं कि मुझे कुछ पता ही नहीं है कि उर्वशी कौन है, क्या है, क्या नहीं पता। और पता नहीं लोग इस तरह की वीडियोस वगैरह वो करते, मुझे तो पता भी नहीं है कैसा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, लेकिन कोई इस तरह का प्लान नहीं है। अभी सिर्फ क्रिकेट पे फोकस है और सिर्फ क्रिकेट खेलनी है।